जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने परिवार एक एक गणित में। प्यारे साथियों, आज आपको हम लेकर आए हैं जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, जो द्विघात समीकरण है, उससे जो आए हुए प्रश्न हैं। पिछले वर्षों में जो प्रश्न आपके आए हैं बच्चों, तो बहुत सारे प्रश्न हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं, और खासकर जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं बच्चों। एक नंबर का प्रश्न होता है ये, इसमें केवल आपको सॉल्व करके उसका जो इस तरीके का देख रहे हैं आप, ये ऑप्शंस दिए रहते हैं, उस ऑप्शन में आपको टिक करना रहता है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं वही सारे क्वेश्चंस आपको लेकर आए हैं, और वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पिछले वर्षों में आए हुए हैं। जैसे कि ये जो आपका प्रश्न है, ये आपका 2014 और 16 में आपका आया हुआ है, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस बार जो है आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार क्या हो रहा है कि 20 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आते हैं, तो इस टाइप के ही वो सारे क्वेश्चंस होंगे, उनका उत्तर आपको देना रहता है। तो पहले अभी तक 5 प्रश्न आते थे, लेकिन अब आपके 20 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, समय कम है, तैयारी को अच्छे ढंग से करिएगा, और जो है ताकि आप अच्छे मार्क्स जो है ला सकें। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न है, आप देख रहे हैं, यदि क्वेश्चन आपका है, यदि 1/(x²+5) बराबर है किसके, 1/9 के, ठीक है, ये बराबर है आपस में, तो x का मान होगा, क्या होगा, +-1 होगा, +-2 होगा, +-4 होगा, +-6 होगा, यह आपसे पूछा गया है, ठीक है, साधारण सवाल है। चलिए करता हूं मैं यहाँ पे, तो आपको ये पूरा लिख लेना है, ठीक है, ये जो दिया रहता है इसे लिख लेना है, 1/(x²+5)=1/9। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी इधर गुणा करते हैं, इसकी इधर गुणा करते हैं, तो x²+5 की 1 में गुणा करेंगे, तो भाई किसी भी संख्या की 1 में गुणा करते हैं वो सेम ही रहता है, इधर 9 की 1 में करेंगे तो ये भी सेम रहेगा। बच्चों हमें क्या चाहिए है, x का मान चाहिए, x का, ठीक है, तो x का मान जब आपको चाहिए है तो आपको क्या करना होगा, 5 को आप इधर भेजेंगे, 5 को आप इधर भेजेंगे, तो आपका x² हो जाएगा x²=9-5, 9 में से आपका 5 चला जाएगा, तो x² का आपका बचेगा 4, आपको x का मान चाहिए। तो बच्चों जब x जो है उसका मान आपको निकालो, आप निकालेंगे तो x बराबर आपका हो जाता है √4, ठीक है, जब ये रूट में हो जाता है, इधर प्लस माइनस आ जाता है आपका, तो आप देखेंगे x का मान हो जाएगा प्लस माइनस आपका जो रूट है 4 है उसका आपको वर्गमूल करना है भैया, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, इस तरीके से विवाह जो है इस तरीके से होता है इसका, ठीक है, शादी कॉन्सेप्ट से मैं करा रहा हूँ आपको, तो दो चीजें आप भाई शादी होती है ना, तो दो लोगों का एक जोड़ा होता है, तो भाई देख रहे होंगे 2 का एक जोड़ा है, ये 2 है, तो ये जो होता है वो रूट के बाहर आ रहा है, तभी 2 आएगा आपका, ठीक है, प्लस माइनस का 2 आएगा। ऑप्शन में आप चेक करिएगा, पहला ऑप्शन आपका नहीं है, दूसरा आपका हो जाता है, ठीक है, यही दूसरा ऑप्शन आपका क्लियर आंसर है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको जो है जो इसमें मैं इस वीडियो में आपको वही प्रश्न दे रहा हूं जो केवल द्विघात समीकरण के हैं, ठीक है, ताकि आप जो है कोई कंफ्यूजन ना हो, उसके बाद मैं पूरा मैथ का पूरा मिक्सर लेकर आऊंगा, मिक्स करके लाऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का भी और सारे क्वेश्चनों का भी लाऊंगा, आप चिंता ना करिए, आसानी से पढ़ते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, आपके सामने है, यह सन 2022 में यानी कि पिछले साल आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2022 में HI में आया था आपका, ठीक है, तो इसके ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, नोट नहीं कर गए, चलिए तो इसका मैं हल कर लेता हूँ आप, ठीक है भैया, आपको क्या करना है, इसका कर लेना है इस तरीके से, चलिए पूरा हल ही करता हूँ, तो x²-4=0, इसका मूल आपको निकालना है, मूल चाहिए है आपको, क्या चाहिए, मूल चाहिए, तो करना है आपको x²-4=0,
एक्स स्क्वायर आपका ये है, आपको एक्स का मान चाहिए ना, एक्स का ही तो निकालते हैं, मूल निकालते जाते हैं। अभी पिछले पूरा जो एक्सरसाइज हमने कराया उसमें हर एक वीडियो में पूरा है ये, मूल ही तो निकाले जाते हैं उसमें। तो क्या करना है आपको, जो फोर है उसको इधर दे देना है। अब भाई जो इधर है वो उधर जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है, तो चार हो जाता है। तो एक्स का मान आपका वैसे ही आ जाता है, ठीक है, प्लस माइनस में फिर से। तो एक्स का मान अभी आपने देखा ना पीछे, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ, प्लस माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है इसका, और प्लस माइनस थ्री है, प्लस माइनस आपका फोर है, और प्लस माइनस आपका टू है, ठीक है। तो आपका ये फोर आंसर जो है, ये फोर ऑप्शन जो है इस, ये वाला आपका क्लियर, यानी कि राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न है, आप देख रहे होंगे, देखिएगा, समीकरण आपको दिया गया है 5x-5 x+5 का हल होगा। यह प्रश्न भी आपका 2012 में आया हुआ है, 2012 में यह प्रश्न आपका आया है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज है, यहाँ पे आपका 55 होगा, ठीक है, ये थोड़ा है, ठीक है, ये ऐसा है पूरा समीकरण, ठीक है, ये पूरा 55 होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो आप देखिएगा ये समीकरण किस तरीके से इसका आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए तो 5 ये है पूरा, इसे यहाँ पे एक बार मैं पूरा फिर से लिख लेता हूँ, x+5 है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, ये जो 5 इधर आ रहा है ना, 5 जो इधर का है वो गुणा में है, तो मैं इसका अंदर गुणा न करके मैं इसे सीधे इसे इस साइड में भेज देता हूँ, ठीक है। तो 5 इधर जाएगा, गुणा में है इधर, इधर हो जाएगा बत्ती में, ठीक है, और बचेगा ये पूरा, इनका दोनों आपस में गुणा कर देते हैं, तो x2+5x हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे -5x हो जाएगा और -25 आपका ये बत्ते में 5 आ रहा है, ठीक है, 11 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, पूरा आपका 11 आ जाता है। चलिए तो x2 है पूरा इधर, और 5 से 5 ये पूरा इधर कट जाएगा, ये 25 बचेगा माइनस का, आपका बचेगा इधर कितना 11, इधर भेजिएगा इसे, तो आपका हो जाता है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इधर, तो आपका हो जाएगा 11+25। अब x2 आपका हो जाएगा 11+25, आपको पता ही है 5, 1, 6, 2, 1, 3 हो जाता है, तो x का मान आपको चाहिए रूट में आएगा आपका 36 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस इस तरीके से आएगा, तो 36 का जो वर्गमूल होगा यानी कि 6 होगा, ठीक है, कितना होगा 6 होगा, तो x का मान आपका +-6 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं मिलान करता हूँ, इधर आपका पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी नहीं है, यह जो है आपका तीसरा आंसर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको ये करना है। चलिए तो ये आप समझ गए ना, इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से पूछ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएंगे। आप कमेंट में भी बता सकते हैं, और भी कोई आपको प्रश्न है जो ना समझ में आ रहा हो आपको, आसानी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आपका ये बच्चों अगला प्रश्न है, देखिएगा द्विघात समीकरण दिया रहता है आपके पास, देखिएगा द्विघात समीकरण x2+3x+2=0 के में x के मान, अब आपको x के दो मान दिए हैं, आप समझ रहे हैं ना, एक दो है, एक x 1/-2 है। अब भाई देखिए, जब x के दो मान दिए हैं इसका मतलब है x के दो मूल है, ये समीकरण के मूल है। देखिए द्विघात समीकरण यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अर्थात ये द्विघात, ये जो समीकरण आपको दिया रहता है ना, इसके मूल है द्विघात समीकरण के मूल, क्या है मूल है आपका दो। अब देखिए मूलों का मैंने या गुणा क्यों किया, ये है दोनों मूल, ठीक है, ये आप समझ आएंगे, थोड़ा जल्दी करना रहता ना परीक्षा में आपको, तो ये काट देंगे, तो आपका माइनस का फल, यानी कि जो मूल आए हैं उनका गुणनफल कितना है, मूलों को अगर गुणनफल किया जाए, समझिएगा ये दो मूल है इस समीकरण के, दो मूल है और मूलों का गुणनफल आपका माइनस वन है, भाई इसका इसका गुणन गुणा करेंगे तो मूलों का जो गुणनफल है वो वन है, ठीक है, समीकरण के जो मूल है उनका गुणनफल वन है, ये मूलों
समीकरण के मूल जो है उनका ये गुणनफल, गुणनफल बराबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ समझने के लिए, गुणनफल भी आपका यही रहता है, ठीक है, ये गुणनफल है। अब मूलों का गुणनफल है, ठीक है, चलिए मान लेता हूँ। अब वैसा गुणनफल कौन सा, जैसे द्विघात समीकरण में आपने किया है ना, बहुपद में आपने करा होगा, इसमें होता है ये ऐसा समीकरण दिया रहता है, उसका मूल जो होते हैं उनका गुणनफल बराबर क्या होता है, स्थिरांक पद यानी कि अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर होता है। तो अचर पद आपका दो है और एक्स स्क्वायर आपका वन है, तो एम है, ठीक है। तो ये होता है मूलों का गुणनफल बराबर, ठीक, इनका गुणनफल कितना रहता है, इसका गुणनफल कितना होता है, तो आपको देख पहले आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका ये इससे तुलना कर दीजिएगा, माइनस का पद, अब भाई इसका इधर गुना होगा, इसका इधर होगा, ठीक है, तो माइनस का इधर करेंगे एक सेकंड के लिए जरा, तो इसे आप इधर लाएंगे ना, चलिए ये आपका है, ये भी आपका, तो इसको आपने यहां पे रख लिया, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और असल में इनका गुणनफल कितना है, माइनस वन है, ठीक है। जब असल में इनका गुणनफल माइनस वन है तो आपको क्या करना है, इसके तुलना कर देनी है, ठीक है। तो इसमें आपको गुणा करेंगे तो आपका आयम ये ऐसे, ठीक है, तो माइनस का आयम हो जाएगा बराबर दो हो जाएगा, आयम माइनस उधर जाएगा ना, तो आयम बराबर आपका माइनस का दो हो जाता है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाता है शॉर्ट ट्रिप में, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बच्चों, ठीक है। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ये, इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आपका जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया हुआ भी है, यहाँ पे मैं ये भूल गया तो थोड़ा लिखना, ठीक है, 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए बच्चों ये आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 7 तथा 12 है, समीकरण ज्ञात करना है, हमें क्या बताना है, समीकरण बताना है, ठीक है, समीकरण को आपको बताना है। यहाँ पे मैं खींच लेता हूं, इधर हो जाएगा आपका, देखिए आपको मालूम है समीकरण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, योगफल उसका मालूम है, गुणनफल भी आपको दे रखा है, 7 है योगफल और गुणनफल उसका 12 है, कितना है, 7 है और गुणनफल उसका 12 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो समीकरण क्या होगा, समीकरण होता है यहाँ पे लिख लेता हूँ, अभीष्ट समीकरण कह सकते हैं इसे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, मूलों का योगफल, ठीक है, माइनस मूलों का योगफल, इस तरीके से आपको मूलों का योगफल और यहाँ पे क्या करना रहता है, एक्स से गुणा कर देते हैं प्लस गुणनफल, ठीक है, प्लस गुणनफल बराबर 0 होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो ये देखिएगा एक्स उसका है तो सेम लिख लेना है भैया, माइनस लगा है लगा दीजिएगा, मूलों का जो योगफल है वो कितना है आपका, 7 है, तो यहाँ पे 7 और इधर एक्स है 12, ठीक है, प्लस का गुणनफल कितना है आपका 12 है, तो आपको ब्रैकेट में ये 12 बराबर 0 कर लेना, ठीक है, क्या कर लेना है आपको, एक्स स्क्वायर कर लेना है, माइनस का आप गुणा करेंगे माइनस का 7 आ जाएगा और 7 की एक्स में गुणा करेंगे 7 एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस का आपका 12 आ जाएगा इक्वल टू 0, यही आपका समीकरण हो जाएगा, जो समीकरण है आपका ये हो जाएगा बच्चों। चलिए मिलान कर लेते हैं ऑप्शन में कौन सा समीकरण है, चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यही वाला समीकरण आपका, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ऑप्शन में जो है बहुविकल्पीय में आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए देखते हैं।